हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हम जानेंगे कुछ ऐसा वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है कमाल का होने वाला। आज का वीडियो में पासवर्ड है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं तो पासवर्ड ईजिली मिल जाएगा। तो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मिस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज का जो सेकेंड चैनल जो है उसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने के सिंपली अपने मोबाइल में एलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक होगा मूड वर्जन का, तो उसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। करने के बाद प्लस पे टाइप कीजिए, यहाँ पे लास्ट में आ जाना, पेंसिल आइकन 1080p 2340 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करना, प्लस पे टाइप करना, मीडिया पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग ऐड कर लेना, तो हम सॉन्ग ऐड कर लेते हैं। वीडियो से सॉन्ग निकालेंगे, वीडियो पे टाइप करते हैं, कौन सा डैप डॉट पे क्लिक करते हैं, स्टेक करते हैं, वीडियो को डिलीट करते हैं, प्लस पे टाइप करते हैं, मीडिया पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ कपल्स का जो फोटो था ऊपर नीचे वाला वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम ऐड कर लेते हैं। टैप करते हुए रहते हैं, दोनों को टिक करते हैं, ये वाला लेयर पर क्लिक करते हैं, ये हो गया। ये हो जाएगा, ये इसका जो ऊपर का जो है ये जो था इसको नीचे कर लीजिए। उसके बाद ये जो ऊपर वाला जो है इसको ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, कुछ ऐसा बन कर रेडी होगा। और इसका जो साइज है हल्का जूम कर लीजिए, मोवन ट्रांसफॉर्म जाइए, साइज पर जाइए, जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे प्लस आइकन में जाना है। उसके बाद ये शेप एक ले लीजिए, शेप लेने के बाद सीधा इसको शेप को बढ़ा दीजिए, तो इतना बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, इसको एडिट शेप है, इस पर टाइप कीजिए। इसका जो है लेंथ है, पॉइंट है, इसको आपको 9 कर दीजिए देना, नहीं तो 8 भी रख सकते हैं। 8 रखने के बाद सीधा आपको जो है यहाँ पे आ जाए अंडर रेडियस, इसको तो इंडर रेडियस है इसे नाम है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको इतना पर रख लेते हैं, इतना पर रख लेते हैं। उसके बाद इसका जो है काम खत्म हो गया, सीधा आपको बैक आइए। उसके बाद यहाँ पर मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाइए, साइज पे जाइए, साइज जहाँ पे रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। ये अगर पीक आपको शकल नहीं दिख रहा है तो और इसको जूम कर लीजिए, शकल दिखा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको सेट कर लीजिए, यहाँ पे रखना चाहते हैं रख लीजिए। रख लेना, इस पर इफेक्ट देने के लिए सिंपल एड इफेक्ट पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है डिस्क्रिप्शन वॉप में आ जाना है, उसको रख लीजिए। सेकेंड नंबर है ट्रांजेक्शन आउट, इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ स्केटरिंग है, स्केटरिंग को आपको यहाँ पे इसका जो की है दोनों की को माइनस कर लेना, हटा लेना। उसके बाद यहाँ पे रेडियस पे आ जाना, रेडियस पे आ जाना है, सीधा इसको बीच में प्लस आइकन कर लीजिए। उसके बाद ये जो की है सेकंड जो की दिया होगा उसको इधर कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में उठा के। उसके बाद इसका जो की का जो है लेंथ है उसको हल्का सा इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, इसका जो शेप है कुछ ऐसा देंगे, तो कुछ ऐसा कर्व लगा देते हैं। उसके बाद इसमें भी कर्व कुछ ऐसा लगा देते हैं, तो कर्व लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है फेदर पे, फेदर पे आ जाना है, बस जाने का सीधा इस तरह फेडर में जो की होगा तो उसको आपको यहाँ पे कर लेना है 96 कर लेना है, 0.9696 कर लीजिए। उसके बाद इसका जो है लास्ट का जो फेदर इसको 0 कर लेना, तो कुछ वीडियो ऐसे बन कर रेडी हो जाएगा। और रेडियस में जो आपका है और इंक्रीज कर लेना लास्ट वाला पोजीशन, तो उसको इंक्रीज करिए, इसको माइनस पूरा हटा लीजिए, तो कुछ वीडियो ऐसा बन कर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो कुछ ऐसा बनकर आएगा, उसके बाद इसको ऐसे जाएगा, तो ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसको आपको ग्रुप बना लेना है, तो ग्रुप बनाने के सीधा इसको जो है ऐसे कर लीजिए। तो ग्रुप में ये वाला नहीं करना है, तो ये लास्ट वाला में 3 नंबर है, इसको कर लेना है ग्रुप, ऐसे ग्रुप बन जाएगा। तो बन जाने के बाद सीधा आपको, तो बन जाने के बाद ग्रुप ऐसे बन जाएगा। उसके बाद इसका जो है तो इसका इसमें आपको प्लस पे टाइप करना है। उसके बाद मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद सीधा आपको एक पिक ऐड कर लेना है, कपल का जो तीसरा पिक है उसको ऐड करने के लिए आपको उसको ऐड कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करते हैं। उसको आपको नीचे कर लेना है ग्रुप के नीचे। उसके बाद इसका जो जो पार्ट दिखाना चाहते हैं पार्ट, तो उसको दिखा लीजिए, तो ये पार्ट दिखाएंगे। अगर इसमें आपको और एडिट करना है उसका शेप का, तो और एडिट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो है इसको हम इतना पे एडिट कर लेते हैं। एंगल है, एंगल जो भी है आउटडोर इतना करते हैं, तो ये हो जाएगा। और बढ़िया अच्छा से कीजिएगा इंक्रीज, तो अच्छा से होगा। उसके बाद कुछ ऐसा वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा, ये कुछ वीडियो ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। ऐसा बनकर रेडी हो जाने के बाद सीधा आपको यहाँ पे, सीधा आपको यहाँ पे आ जाना है प्लस पे, प्लस पे आ जाने के बाद सीधा आपको यहाँ पे एटेक्स पे जाना है। एटेक्स पे जाने के बाद सीधा आपको जो भी लिरिक्स है वो लिख लीजिए, फर्स्ट लिरिक जो भी है वो लिख लेते हैं। हम नोट पेड में सेव करके रखा, तो वो लिख लेते हैं। ये लिरिक्स है, इस वाले फोन का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका कलर है वाइट रखते हैं, वाइट रखने के बाद इसका जो है साइज हल्का इंक्रीज कर लेते हैं। ये जो छोटी अक्षर है बी, इसको बड़ी कर लेते हैं, सारे को बड़ी कर लेते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन बड़ी कर लेने के बाद सीधा इसको बीचों बीच कर लेते हैं,
उसके बाद ये बीच में हो गया, हो जाने को सीधा इसको यहाँ पे रख लीजिए, जहाँ पे जो भी पार्ट जहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा लिरिक्स, यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद इस पे बटन सेट में जाते हैं, इसको स्टॉक इनेबल करते हैं। स्टॉक इनेबल करने के बाद सीधा इसको एड इफेक्ट पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो इफेक्ट है तो यहाँ पे आपको ब्लर पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको गेसियन ब्लर इसको सेलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कीजिए, प्लस आइकन दीजिए, उसका हल्का दूर हटके प्लस आइकन इसको जीरो कर लीजिए, उसका जो प्लस आइकन स्टार्टिंग है इसको इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाना, फिर इसको बंद कीजिए। उसके बाद यहाँ फिर से एड इफेक्ट पे जाइए, फ्लिप लेयर है इसको सेलेक्ट कर लेना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो फ्लिप लेयर है इसका जो एक्स है एक्सिस पे आ जाना है, उसका जो 90 डिग्री कर लेना, 90 डिग्री करते हैं एंगल पे आ जाते हैं, एंगल पे आ जाना है सीधा इसका जो है स्टार्टिंग जो की है एंगल पे उसको एंड में कर लीजिए, कुछ इतना इतना गैप में तो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है एंड में, एंड में जो की आइकन दिए थे इसको 90 डिग्री तो 90 डिग्री कर लीजिए, तो हम कर लेते हैं। 90 डिग्री करने के बाद सीधा एड इफेक्ट पे जाइए। फ्लिप लेयर कैसे सेलेक्ट किया था, फ्लिप लेयर जो है ये दो है इस पे सेलेक्ट किया था, तो ये सेलेक्ट कीजिएगा तो वो की आपको लग के आ जाएगा। तो उसके बाद थर्ड इफेक्ट लगाने के लिए सीधा आपको ग्लो स्किल सेलेक्ट करेंगे, आपको ड्राइंग एज में मिलेगा, तो ग्लो स्किल को सेलेक्ट करते हैं। इसका जो थ्रोस होल है, थ्रोस होल पर प्लस आइकन देते हैं और दूर हट के एक प्लस आइकन देते हैं, और थ्रोस होल को यह हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं, और रेडियस है जैसा वैसा आपको दिखा रहे हैं, कुछ वीडियो ऐसा बन के रेडी हो जाए। और अगर थोड़ा सा हल्का बढ़ाना चाहते हैं तो हम घटाते हैं, कम करते हैं, कुछ इतना पर रखते हैं, 13 के आसपास रखते हैं। उसका जो थोड़ा सा है हल्का और कम करते हैं, इसका जो स्टार्टिंग की है इसको हम रखते हैं 20 के आसपास रखते हैं, तो इतना पर रखते हैं। उसके बाद ये जो हो गया कम्प्लीट, हो जाना सीधा एड इफेक्ट फिर से जाइए। और सेकेंड जो इफेक्ट होगा आपको सर्च पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर गामा इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर इसको क्लिक कीजिए, इसको एक्सपोजर है प्लस आइकन दे दीजिए, इसको एक्सपोजर है इसको फिर भी प्लस आइकन कर दीजिए दो गो हल्का भी गैप में। उसके बाद इसको एक्सपोजर हल्का इंक्रीज कर लीजिए, पूरा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ आपका वीडियो ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। इसका पीसी का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पासवर्ड है, पासवर्ड आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो ये हो गया, हो जाने के बाद सीधा आपको ये लिख लेना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट रेडी हो गया। तो उसके बाद इस दोनों ग्रुप को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद सेकेंड लिखने के लिए सीधा यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक पीक चेंज कर लेना, जो बीच का जो पीक है वो जो शेप वाला पीक है इसको हम कर लेते हैं चेंज, तो फिलहाल के लिए हम यही पीक लेते हैं आपको, तो ये चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसा आपको वीडियो में आ जाएगा। तो उसके बाद जो भी सेकेंड लिरिक्स है वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर थर्ड लिरिक्स लिखने के सीधा इसी को हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड लिरिक्स जहाँ भी है वहाँ पे आपको पिक चेंज कर लेना, तो पिक चेंज कर लीजिए, उसके बाद इसको नीचे उठा के नीचे कर लीजिए, तो कुछ ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड ऑल इफेक्ट लगा लेने के बाद सीधा प्लस पे टाइप कीजिए, मीटअप जाए, इस वाले वीडियो को लिंक मिला, वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कलरिंग वाला है फ्लैशिंग वाला, तो इसको ऐड कर लीजिए। हम ऐड कर लेते हैं, वीडियो है तो इसको सेलेक्ट करते हैं, प्लस पे टाइप करते हैं, इसको हम फुल कर लेते हैं, तो फुल कर लेते हैं क्या, तो वीडियो पे टाइप करते हैं, डॉट पे जाते हैं, फुल कंपटीशन एरिया कर लेते हैं। उसके बाद इस पे वीडियो पे टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाते हैं, यहाँ पे कंट्रास्ट पे जाते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट ओवर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ तक आपका है वहाँ तक रख लीजिए, सॉन्ग जहाँ तक रहेगा वहाँ तक रहेगा, ये होगा 19 सेकंड तक रहेगा, इसको सिर्फ आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर 30 सेकंड बनना चाहते हैं पेस्ट कर दीजिएगा, और जहाँ तक आपका ये है सॉन्ग है वहाँ से आपको कट कर देना, तो कट कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर वाले एक्शन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं था, अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।